के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। लो भैया, बागेश्वर धाम सरकार पर लगाए गए सभी आरोप निराधार साबित हुए। किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं निष्पन्न हो रहा है। इतना विवाद हुआ, मीडिया ने पूरा माहौल काटा, रफ जांच में निकला नील बटे सन्नाटा। नागपुर के एक्टिविटीज को बहुत बारीक माइन्यूट तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। नागपुर पुलिस ने पंडित शास्त्री जी को क्लीन चिट दी है, कहा नहीं मिले हैं अंधविश्वास फैलाने के सबूत। पंडित जी ने भी रात की सांस ली होगी तो समर्थकों को भी चैन आया होगा। दरअसल नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव द्वारा धीरेन शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी और आरोप था अंधविश्वास फैलाने का। मामला दर्ज होने के बाद सार्वजनिक तौर पर वाद विवाद का जमकर दौर चला। आखिरकार भैया, नागपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 7 और 8 जनवरी के दरबार से जुड़े वीडियो की पूरी तरह से पड़ताल की गई। हमने नागपुर के इंसिडेंट, नागपुर के एक्टिविटीज को बहुत बारीक माइन्यूट तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। पुलिस पे दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पुलिस ने बताया कि पड़ताल करने के बाद वीडियो में ऐसा कुछ नहीं पाया गया जो ये साबित करता हो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा कानून 2013 के तहत कोई अंधविश्वास फैलाया है। जो दिव्य दरबार के ही जो 7 और 8 के थे, वो जैसा मैंने बताया 6 घंटे के वीडियोस थे। उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने, उसमें कुछ कुछ जो बॉर्डरलाइन इश्यूज थे उसको हम लोग बहुत ही श्योर तरीके से कॉन्फिडेंस और एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचे। इसके लिए टाइम जरूर लगा है, लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऑफेंस मेकआउट होता है ऐसी बात नहीं। कुल मिलाकर भैया, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विवाद से फायदा ही हुआ। कानून ने क्लीन चिट दी, बवाल के चलते लाखों समर्थक जुड़ गए, रफ और अन्य धर्म गुरुओं का साथ मिला सो अलग। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण।